जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भैया, जो लोग ये कह रहे थे कि विराट कोहली को अगर आप आउट कर दो तो इस टीम को 100 रन पे अंडर आप अलाउट कर सकते हो, मुझे लगता है कि अब उन लोगों को जवाब मिल ही गया होगा। इस मैच में जिस तरीके से आज आरसीबी ने खेला है, आई थिंक कि आरसीबी अगर शुरुआत से किसी मैच को लेकर यही अप्रोच रखे तो जो टीम उनको माना जाता है, जो समझा जाता है कि नहीं यार, इस टीम के पास में ये पोटेंशियल है, ये लोग ऐसा खेल सकते हैं, ये लोग वाकई में वो चीज़ अचीव कर पाएंगे अगर ये लोग इसी नेचर से खेलेंगे। हालांकि अभी इन्होंने बॉलिंग नहीं करी है, बॉलिंग एक और वीक सबसे बड़ा हिस्सा है आरसीबी का, मेन पॉइंट ये है। दूसरी बात के बारे में बात करें तो आज के मैच में जसप्रीत बुमराह ने प्रूव किया है कि वो क्यों दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। दुनिया का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ मुंबई का नहीं, सिर्फ आईपीएल का नहीं, मैं दुनिया का बोल रहा हूँ और उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। दूसरा, ये वर्ल्ड कप आते ही दिनेश कार्तिक फॉर्म में कैसे आ जाता है, इस बारे में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बात तो तय है। मतलब इस बंदे का वर्ल्ड कप से कुछ ना कुछ नाता जरूर है। जैसे ही इनको दिखता है कि हाँ भाई, वर्ल्ड कप बिल्कुल मुहाने पे खड़ा, चलो फॉर्म में आ जाओ, अब रन बनाएंगे। मतलब क्या रन बनाए यार आज बंदे ने, आड़े तिरछे ऊट पर नीचे। मतलब जिस ओवर में जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी 2 विकेट ले चुका था, वो ओवर बहुत शानदार जा रहा था, सेकेंड लास्ट ओवर था वो, उस ओवर की आखिरी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने छक्का जमा दिया कवर्स के ऊपर से। बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बुमराह बॉलिंग कर रहा है या कौन बॉलिंग कर रहा है, उसको पता है कि भाई मुझे रन कूटना है तो मैं कूटूंगा। तो आज के मैच की सबसे बड़ी सूरत हाल ये रही कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में विराट कोहली आज फेल हुए, बट उसके बावजूद भी जिस तरीके से आरसीबी ने अपनी पारी जमाई वो काबिले तारीफ थी, और वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवरों में ऐसा कहर बरपाया कि देखने वाला भी सोचेगा कि यार यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग स्कोर बोर्ड की तरफ चले तो हमको जरा, मतलब जो स्कोर्स हैं वो आपको पूरी बानगी बता देंगे कि भाई यहाँ पर आखिर आज के मैच में हुआ क्या है। भाई विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस आज ओपनिंग करने के लिए आए थे, ज्यादा कुछ खास उम्मीद मेरे को थी नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोहली आज जल्दी आउट हो गए। 9 बॉलों में सिर्फ 3 रन बनाए, शुरुआत से ही काफी ज्यादा शेकी लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ आज बिल्कुल लय में है। और फिर बुमराह के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर ये आउट हो गए, तो वहां से वो चलते बने। लेकिन वहां से विल जैक्स, जिसने कि आज डेब्यू किया है, ये भी जब आउट हो गया, उसके बाद में आज फाइनली रजत पाटीदार ने परफॉर्मेंस दे दी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर इन लोगों के 2 विकेट गिर गए थे, मतलब 23 रन के ऊपर 2 विकेट इनके हो चुके थे आरसीबी के, उसके बाद में रजत पाटीदार और फाफ डु प्लेसिस ने एक बढ़िया पार्टनरशिप करी। 82 कुछ रनों की इन लोगों ने पार्टनरशिप करी, इसमें डुप्लेसिस ने भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया, रजत पाटीदार ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया। 82 रन की पार्टनरशिप हुई थी 47 बॉल्स में, इसमें रजत पाटीदार ने 26 बॉल में 50 रन बनाए, डुप्लेसिस ने यहाँ पर काफी स्लो खेला था इस ड्यूरेशन में, 21 बॉल में 29 रन बनाए थे। तो यहाँ पर एक जो नेचर ऑफ प्ले आज देखने के लिए मिला, वो ऐसा लग रहा था कि जो चीज एक्सपेक्टेड थी आरसीबी से, वो आज इन लोगों ने किया। मतलब यहाँ पर रजत पाटीदार ने करीब 26 बॉलों में 50 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के, डुप्लेसिस ने 40 बॉलों में 61 रन बनाया, 3 छक्के इसने मारे। और यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात करें तो रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट रहा 192 का, और डुप्लेसिस का स्ट्राइक रेट रहा यहाँ पर 152 का, तो दोनों का ये स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा हेल्दी था। बट यहां से भी इनकी गाड़ी डिरेल हो सकती थी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो 3रा विकेट था, 4था विकेट था, 5वां विकेट था, 6वां विकेट था, वो 16वां ओवर आते आते गिर चुका था। मतलब महिपाल लोमरोर जो थे वो 153 रन बनाकर 6ठे विकेट के रूप में आउट हो गए थे, और समय पर सिर्फ 17 ओवर हुए थे, मतलब 3 ओवर बाकी थे। इसके बाद में जो खेल पलटा वो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक की वजह से पलटा। हालांकि 18वें 19वें ओवर में आकर जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट फिर निकाल लिए, लेकिन उस पॉइंट तक दिनेश कार्तिक अपनी छाप छोड़ना शुरू कर चुके थे। 32-35 को चरण पर बंदा खेल रहा था, और आखिरी ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि बस दिनेश कार्तिक ने बोल दिया कि भाई अब मैं देख लूंगा। दिनेश कार्तिक ने 23 बॉलों पर 53 रन बनाए हैं, 5 चौके मारे 4 चौके मारे, 230 का स्ट्राइक रेट रहा। लिटरली मजा आ गया देखकर, ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे कुछ वाकई में कुछ शानदार देखने के लिए मिल रहा है। और बैटिंग बहुत ज्यादा शानदार करी थी, बहुत ज्यादा शानदार। 4 छक्के जो मारे वो आड़े तिरछे कैसे ही मारे हो, लेकिन बहुत अच्छे गए थे। तो दिनेश कार्तिक एक बार फिर से फॉर्म में लौट चुके हैं। बट अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक प्लेयर की, जिस प्लेयर के बारे में बात करना शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, जसप्रीत बुमराह। यहां पर आरसीबी ने 196 बनाया है, 20 ओवर में 196 रन से इन्होंने स्कोर किए। अगर हम बुमराह के फिगर्स की बात करें तो बुमराह ने 4 ओवर में 21 रन दिए और 5 विकेट लिए। मतलब कि 196 में से मात्र 21 रन है जो कि बुमराह ने खर्च किए। मतलब एक तरीके से बाकी के 16 ओवरों में 175 रन बने हैं, 16 ओवर में 175।
हर एक बॉलर यहां पर कुट कर गया है, लेकिन जो डिफरेंस मेन पैदा हुआ वो डिफरेंस मेन पैदा हो गया बुमराह की बॉलिंग की वजह से। आप देखिए, हार्दिक पांड्या ने आज एक ओवर डाला, 13 रन पड़ गए। रोमारियो शेफर्ड ने दो ओवर डाले, 11 की इकोनॉमी से 22 रन पड़ गए। इसके बाद में श्रेयस गोपाल ने चार ओवर में 8 की इकोनॉमी से 32 दिए। आकाश माधवाल तो मतलब आखिरी ओवर में बिल्कुल बलि का बकरा ही बन गया, चार ओवर में 57 रन दिए 14.2 की इकोनॉमी से। गिराल कोइट्जी चार ओवर में 42 रन दिए 10.5 की इकोनॉमी से। और इन सारी भारी भरकम इकोनॉमी के बीच में जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी आती है चार ओवर में 21 रन 5.2 की इकोनॉमी से। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग स्पेल साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक बात हम सभी जानते हैं कि जो मुंबई की पिच है वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। और आज के अगर आप मैच के सूरत हाल देखें और बुमराह के ओवरों को निकाल दें तो 16 ओवर 175 रन वैसे भी स्कोर किए हैं फिर आरसीबी ने, एंड दैट टू जब विराट कोहली नहीं चले। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है। एक पॉइंट पर इनके सामने हैट्रिक चांस भी बनी थी जो कि ये मिस कर गए, बट स्टिल चार ओवरों में जो स्पेल इन्होंने आज फेंका है वो स्पेल वाकई में काबिल तारीफ है और एक लंबे समय तक इस स्पेल को याद भी रखा जाएगा। पर्पल कैप के होल्डर भी बन गए हैं और सबसे बड़ी बात, अभी तक आईपीएल में इन्होंने, अब जो ये 5 विकेट हॉल हुआ ये इनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। आरसीबी के खिलाफ उनका पहला 5 विकेट हॉल था, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि किसी भी बॉलर के द्वारा लिया गया पहला 5 विकेट हॉल था। और देखो बुमराह को लेकर जब कई लोग बोलते हैं ना कि यार ये बंदा तो बॉलिंग करने के लायक ही नहीं था और इसने तो पता नहीं कैसे ही यहां पर जगह बना ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब लोगों को मतलब जवाब देने की जरूरत तो पहली बात तो बची नहीं है, बट अगर फिर भी उनको किसी से जवाब नहीं चाहिए और समझना है क्या सिचुएशन है यहां पर, तो मेरे हिसाब से बुमराह की बॉलिंग को उनको खुद अप्रिशिएट करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो वन ऑफ अ काइंड है, प्लस क्योंकि वो इंडिया में है इसीलिए कई सारे इंडियंस उसको उतनी ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, वरना बुमराह जैसा बॉलर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जब आपके पास में ऐसा बॉलर है तो यू शुड लर्न टू अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ बॉलर्स, वरना भाई क्या बोलो, आप दूसरी टीम के बॉलरों की तो तारीफ करते ही रहते हो। यहां पर आपके पास एक ऐसा बंदा है जो अपने दम पर पूरा मैच जिता देता है एज अ बॉलर, हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा था, अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस चले थे उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने अपने दम पर टेस्ट मैच जिताया था। तो जब हमारे पास में ऐसा बॉलर है तो हम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करें आखिर, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर समझ में नहीं आता। लसित मलिंगा ने जिस तरीके से ठोक पीट कर बुमराह को तैयार किया है वो साफ तौर पर ग्राउंड पर भी दिखाई देता है। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यार ये जो बंदा है ये एक बॉलिंग मशीन की तरह बॉल डालता है, आपको सिर्फ ट्रेजेक्ट्री सेट करनी है और कुछ भी नहीं करना, किस पॉइंट पर कैसी क्या बॉल डालनी है बिल्कुल एक्यूरेटली बुमराह डालता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, फील्ड कैसी सेट है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको बैट्समैन को एक बॉल डालनी है तो वो डालेंगे। और यही कारण रहा जो उन्होंने आज 19 ओवर में 2 विकेट निकाले ना, उन दोनों ही बॉलों को एक शॉर्ट पिच बॉल पे लिया जबकि बैट्समैन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यहां पर शॉर्ट पिच बॉल आई। तो इस तरीके से जब एक बॉलर बॉलिंग करता है अपनी लय को पकड़ता है तो वो वाकई में काफी ज्यादा घातक हो जाता है। और बुमराह इस समय अपने करियर की उसी पीक पर है, एंड सबसे बड़ी बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरे जिस तरीके से ख्याल रख रहा है अपने इस पेस बॉलर का वो भी साफ तौर पर बताता है कि इंडियन बोर्ड इस बारे में कितना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस फील करता है कि बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास में है। क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।